अभी 1:45 से ऊपर हो रहा है और मेरी 4:45 की ट्रेन है. करीब करीब मेरे पास 3 घंटे है और मेरे को भी हेयर कट चाहिए, बैक पैक करना है. हेयर कट, बैक पैक, उसके बाद मुझे एक कंप्यूटर पर एंटर लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको. इस वीडियो को अपलोड करना है प्रॉबेबली, जब तक आप ये वाली वीडियो देख रहे होंगे मैं ट्रेन में होऊंगा और मैं गुजरात के लिए निकल चुका हूँ. किसी को नहीं पता था मैं गुजरात जा रहा हूँ, और जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता प्रॉबेबली उन्हें नहीं पता होगा, तो यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो. और आप लोगों ने कुछ ये मिस किया है तो जाओ फॉलो करो. तो सबसे पहले कटवाते हैं बाल. तो ये हुआ, तो ये साड़ी गाड़ी इनके साथ ट्रिप है. तो देवेंस हम लोग चढ़ गए ट्रेन में, 1 घंटा लेट है बाय द वे. और अभी जो मेरे दोनों हाथ फ्री है, भाई ने पकड़ा हुआ है, भाई ने कैमरा होल्ड करा हुआ है, तो अभी से एंकरिंग भाई करेंगे, तो देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं होता. बाकी मजा बहुत आ रहा है. इस 1 घंटे में हमने करा क्या, हमने खाया खाना, हमने की बहुत सारी बातें, एंड हमने बात करी यूट्यूब के बारे में कि कैसे वो हमारी वीडियो को पहले तो ऊपर पहुंचाता है फिर एकदम से नीचे गिरा देता है. तो जैसे मैं बता रहा था ना कि नोटिफिकेशन आता है, भाई एक चैनल के साथ नहीं है, बाकी के साथ भी यही सिस्टम है. अभी कुछ दिन बाद ना आपसे बोला है कि भाई आधार कार्ड लिंक करो तब आएगा नोटिफिकेशन. आपके फोन में मैसेज आएगा यू डिडंट आधार कार्ड लिंक नहीं हुआ, जैसे फोन में मैसेज आता है वैसा ही है. तो कोई कभी कभी तो पहले दिन में वीडियो चल जाती है 12,000, कभी कभी 3,000 भी नहीं पहुंचती, और फिर वो फिर ऐसे ऐसे रिंगती है. और फिर सब्सक्राइबर लोग इस टाइम भाई आपका नोटिफिकेशन नहीं आती यार, हम कैसे करें, कुछ अलग जुगाड़ लगाना. यार एटीडी तेरे को भारी नहीं लगता है, मेरे तो हाथ में दर्द हो गया. यहाँ पकड़ो देखो ये ना, फिर बैलेंस रहता है और फिर ये वेव तो प्रैक्टिस साथ हो जाता है, यू नो आर्म स्ट्रांग हो जाएंगे एक हाथ का. तो दिव्यांश कैसे हो यार आप लोग? तो आज है 25 फरवरी और हम लोग गुजरात के अंदर एंट्री हो गया. जस्ट हम लोगों ने सुबह सुबह उठ के ब्रश व्रश किया, विद इन 2 आवर्स हम पहुंच जाएंगे सूरत. तो ब्रश हो गया भाई आपका? हाँ ब्रश हो गया. गुड मॉर्निंग. ये अभी भी कर रहे हैं ब्रश? मैं कर लिया. अच्छा अभी कर ही रहते, पीछे से दिखाया नहीं. अरे कोई आधी जाने दो. तो कोई ना, अभी हम लोग पहुँचेंगे वहाँ जाके उतर गया, और सबसे पहले हम लोग लेंगे रूम, वहाँ पे थोड़ा सामान रखेंगे, देन उसका कोशिश करेंगे कि हम लोग डुमा बीच जाए. आपके लिए एक फूड ब्लॉग बनाएंगे. हाँ फूड ब्लॉग और डुमा बीच वहीं पर कोशिश करेंगे. डुमा बीच पे हम लोग फूड ब्लॉग बनाएगा, वहाँ पे 2-4 फोटो पिक्चर क्लिक कर रहे हैं. किसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहाँ पे टाइम जो स्टोरी है वहाँ पे भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे है भाई, क्योंकि यूट्यूब पे आते हुए टाइम लग जाता है, स्टोरी वहाँ पे जल्दी अपडेट हो जाता है, वहाँ पे फॉलो करना मत बोलना. बस हम लोग पहुँच गए सूरत. आई थिंक अभी बज रहे हैं 10:50 हो गए, और ये 1.5 घंटा लेट है आई थिंक. तो कोई ना, अभी तो हम जाएंगे जहाँ पे शूट करना है वहाँ पे आसपास होटल लेते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, पहले देखते हैं क्या खाते पीते हैं, क्योंकि अब थोड़ा बहुत थक गया है. तो अभी जाके थोड़ा फ्रेश होता है, उसका दोबारा इसको स्टार्ट करेंगे. तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसका शुरू करेंगे हम लोग. 7:30 11:30 हो रहे हैं, और अभी इसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, देन उसके बाद बीच के लिए निकलेंगे, और बीच का बताएंगे क्या फूड किस तरीके से, क्या प्राइस है. तो अभी तक का जो हमारा खर्चा पड़ा, ट्रेन का कितना था? ट्रेन का 2000 ईच. तो अब तक अगर कोई यहाँ पे आता है कल दिल्ली से यहाँ तक होटल लेने पर 2500 पड़ जाएगा. और ये ट्रिप कितने तक में हो जाएगी अगर कोई आना चाहता है यहाँ पे गुजरात 2 दिन के लिए, अपना घूमना फिरना, जैसे अहमदाबाद हो गया ये. तो गाइस ट्रिप डिपेंड करती है ऑन योर एक्सपेंसेस, आप क्या क्या खर्चे करते हो. हम एक एवरेज एस्टिमेट बता देंगे जो आपको एक आइडिया पड़ जाएगा. जैसे मैंने इससे उसका बताया था जम्मू का, जब हम वैष्णो देवी गए थे, तो आगे देखते हैं कितना खर्चा था, पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे. तो ये सबसे बेस्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए. कल जो वीडियो आएगी वो साड़ी पे आएगी, बहुत सही होगा बिजनेस पर्पज के थ्रू, आपके अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएगी उस वीडियो से. एंड ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपको हम लोग सारे एक्सपेंसेस टोटल करके वहीं पे बताएंगे और खा पी के ही बताएंगे. और मैं कुछ देवयांश के लिए थोड़े गिफ्ट भी लूंगा, जो लॉयल है, जो शुरू से वो तो उन लोगों को पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ. मेरे को उनका एड्रेस, जो आप अगर सुन रहे हो तो उस एड्रेस बता दो, बाकी खरीदते मैं नाम बता दूँगा कौन कौन है, क्योंकि गिफ्ट में कोई एक ही जना जीत सकता है, और मैं पर्सनली उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ. तो अभी मैं यहाँ से कुछ सामान लूँगा और उनको पार्सल करूँगा. ये प्यार है गुजरात की तरफ से, आप देव भाई की तरफ से. चलो जी अभी फ्रेश होते हैं. पता है क्या, जब कहीं सब ट्रैवल करके आ रहे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, और फिर उसका बहुत ना चिपचिपा सा होने लग जाता है, खासकर गर्मियों के टाइम, और देन उसके बाद एक अच्छा खासा शावर मिल जाए,
ओहो एकदम फ्रेशनेस भाई, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, मच 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 बेटर देन बिफोर। तो टिप है कहीं जा रहे हो तो अगर कोशिश करोगे शावर ले पाते तो ले लो। अभी रेडी हो गए, खाना खाने जाएंगे और मैं खाने का बताता हूँ हमने क्या खाया, कितने में खाया और कैसा रहा गुजरात का ट्रिप। तो आज का दिन हम लोग मोस्ट कोशिश करें कि बीच पर जाए, क्योंकि मैंने कभी समुंदर नहीं देखा। बस बहुत दिनों बाद मैं टीवी भी देखूंगा, क्योंकि घर पे होता था, ऑफिस में होता, तो वहाँ पे मैं भी यूट्यूब भी देखता हूँ। टीवी देखे हुए काफ़ी साल हो गया, तो अभी थोड़ा सा टीवी देखेंगे जब तक वो दोनों रेडी होते हैं, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं हॉलीडे का। 23, 24, 27, 28, 29, 30, 40 Si tu as un plan cheval, let me know. भाई रेस्टोरेंट का नाम क्या है? नवजीवन। तो ये प्लेट लगा रहा है नवजीवन एंड प्रियंका, हमें हमारी प्लेट्स लगा रही है बिकॉज इसे यहाँ पे नई जॉब मिल गई है, इसने ब्लॉगिंग दी है छोड़, अभी यहाँ पे रिटायर और यहाँ पे कर रहे सर। तो अभी हमने ऑर्डर किया है एक पनीर की सब्जी और एक दाल, एंड हमने तो नॉर्मल रोटी मंगाई थी, बट मैम को चाहिए नान। तो कोई ना, अभी दिखाते हैं कि टेस्ट कैसा है, प्राइस का वर्थ है या नहीं। सबसे बड़ी बात है किसी चीज़ का पे कर रहे हो उसका वर्थ है या नहीं है, तब आप डिसाइड करते हो कि वो चीप है फेक है क्या है। तो टेस्ट आने दो, बाकी भाई ने किया हुआ टेस्ट पहले से। गाइस हमारा रिकमेंडेशन, हमारा हम जहाँ रुक रहे हैं जिस होटल में रुके हैं वो भी बहुत पास है, एंड हमें बहुत कन्वीनियंट है यहाँ आना। एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज इधर का टेस्ट बिल्कुल दिल्ली वाला है। सूरत का बेसिकली होता है कि मीठा है, थोड़ा तीखा होता है, बोलो ना मतलब ढोकला हांडवा फावा तो ये सब हल्का सा खाना खाते हैं हम लोग, ज़्यादा तली हुई चीज़ें चटपटी चीज़ें जो टेस्ट बढ़कर एकदम आग लगा दे वैसे चीज़ें खाते हैं। हाँ तो अभी खाना आ रहा है तो अभी शुरू करते हैं। देखिए जितने भी हम लोगों से हमने पूछा कि दुमास बीच किस तरीके से क्या है, कुछ खास है या नहीं है, किस स्पेशल है, सब लोग कह रहे सर ओके है जाओ, तो ऐसे ऐसे वाला हो रहा है कि जाना है तो चले जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। जाए या नहीं जाए यार, जो पिक्चर्स में दिखा रहे हैं ना कि मतलब इतना बड़ा पानी आ रहा है एकदम, मतलब गोवा वाली फीलिंग, इनकी रिव्यू देख के तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सर जी मत जाओ, मतलब खुल के तो बोल नहीं पा रहे लोकल है यहाँ के, हम लोग बाहर से तो ना अपनी चीज़ों की बुराई कैसे करें, तो वो लोग खुल के बोल नहीं पा रहे। अब वही चीज़ें जाए या ना जाओ, स्ट्रेट एंड लेफ्ट खास नहीं। तो जैसे यहाँ पहुँचते के साथ साथ ही बोला कि यहाँ इतना कुछ खास है नहीं, बाकी फोटोज में तो ऐसा दिखा रहे हैं कि लहरें आ रही है, लोग मचल रहे हैं, बाकी सारी सच्चाई हम दिखा देंगे डुमास से क्या है। आप तो अगर यहाँ आ रहे हो तो वर्थ है या नहीं है, हमें लगे वो 300 रुपये बोला था, हमने ऊबर की एक्टिंग करी तो उसने 250 में मान गया, 250 हम यहाँ पहुँचे उसने हमें बाहर उतार दिया, आगे तक जाना है, वहाँ पहुँचने का तभी दिखाऊंगा यार। मुझे नहीं लग रहा यार, बहुत सारे धोखे हो रहे हैं, मुझे लगता नहीं है दुमा इतना खास होगा, मुझे लग रहा वर्थ नहीं आने का, मज़ा नहीं आएगा। आई होप कि बेस्ट रहे भाई, खाना काफ़ी अच्छा था जो हमें पड़ा, 350 रुपये का पड़ा, दिल्ली वाला टेस्ट भी आया अच्छा था। यार दिल से बोल रहा हूँ बीच वाली बिल्कुल फीलिंग नहीं है, पानी दूर दूर तक नहीं है, मे भी शायद यहाँ पे वो मून ज्वार भाटा बोलते हैं बंगाली में, तो मेरे को हिंदू नहीं पता क्या बोलते हैं, शायद उसको ऐसे पानी एकदम कम है, एकदम क्या है ही नहीं, कमी क्या छोड़ो, दूर कोने में शायद थोड़ा दिखे, मैं लेंस चेंज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, बाकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल भी अलग है। अच्छा भैया यहाँ पे पानी कब होता है? ये 4:30-5 बजे आता है पानी, मतलब ये टाइमिंग के हिसाब से आता है? हाँ वो जो जैसे तिथि रहती है अमास पूनम, अच्छा अच्छा, तब पानी पूरा ये भर जाता है, और संडे को 5 बजे के बाद यहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है, पूरा हॉलीडे यहाँ पे मनाने हैं, बाहर से लोग आते हैं तो भीड़ रहती है, या हम लोग आ जाए तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं, आज आप जल्दी आ गए, अभी वो जो धूप भी है धूप में कोई ज़्यादा कोई निकलते नहीं है, हमारा बैठ ले कि हम गलत टाइम पे आए, वरना अच्छा रहता ना यहाँ पे बहुत पब्लिक रहती है। तो भाई हमारा 4 बजे तक भाई बता रहे हैं कि संडे को भीड़ होती है, हमारी टाइमिंग गलत है, इसीलिए कोई बात नहीं, थोड़ा भी 2-4 फोटो शूट खींचते, तो फोटो देखने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो करो हमें भी, और इंस्टाग्राम हैंडल इज साडी गड्डी,
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बाकी फोटो वहाँ पे स्टोरी वगैरह वहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। बाकी लेंस चेंज करके भी दो चार फोटो क्लिक करते आए हैं तो कुछ तो करके जाएंगे ना, अब आ गए तो आ गए कोई ना। यहाँ पे छोटी छोटी मछली है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, ये शायद यहाँ, और वो बत्तख जो है वो उन्हें खा रही है। दैट्स द लाइफ, वो बेचारी पानी ढूंढ रही है जीने के लिए और वो जब बाहर आती है वो खा जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, लिटरली नेक्स्ट डे है, हम लोग दुमास बीच से आने के बाद अपने अपने रूम में जाके सो गए थे लिटरली, और जब उठे तो डिनर का टाइम था, हम लोगों जाके बस डिनर लाए और खा के फिर दोबारा सो गए, क्योंकि यार ट्रेन की थकान थी और थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोगों ने हांडा फांडा, तो यार फूड तो दिखाने पाया कोई, पर कोई ना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, और एक चीज़ बताने कि सूरत पे क्या चीज़ अच्छी लगी। मुझे तो अच्छा लगा कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम है, लोग बहुत पोलाइट है, बाकी घूमने का कुछ ऐसा खास है नहीं क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि आसपास दुकानें भी मतलब ऐसा है कि कपड़ों की दुकानें, कुछ खाने पीने का जैसे होता है ना गुजराती खाने का कोई शॉप हो के पैक कर, वो भी हमें कुछ खास दिखा नहीं, शायद कल संडे था इसीलिए, बट कोई ना, अभी मैं सर्च करूँगा, कुछ अच्छा मिलता है तो अपने देवियांस के लिए लूँगा कुछ है, अगर नहीं मिला तो कोई ना नेक्स्ट टाइम ट्रिप से लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइज वॉचिंग, और प्लीज़ कॉमेंट करना और लाइक करके बताना कितना अच्छा लगा ये।